आपका लड़का है। आपका बेटा ये? हाँ जी। कहाँ से आए हो आप? अरे लोथा बिना, अरे लोथा बिना चटनी कैसे बनी, सरदा कमाल रे की अखियो से गोली मरे, सरदा बिना चटनी कैसे बनी, तेरे पांडी जी का बेटा हूँ, चुमा फिचक के लेता हूँ, कजरा लग के छड़ी कहाँ जाएंगे, की गोरे गोरे की गोरे गोरे गाल दखी चुम लेंगे। देख सकते हैं बच्चा जो है फिलहाल अपने अपनों की गोदी में पहुंच चुका है और काफी खुश दिख रहा है। कल ये हालांकि बताया जा रहा है जो बच्चा है मिलता है, डांट के रहने वाले हैं, दिमागी रूप से थोड़ा सा कमजोर बच्चा है, स्पेशल चाइल्ड है ये बच्चा। गाना गा के दिखाओ बेटा, गाना डांसी डांसी डांस। अरे वाह, क्या है, है। अब खुल गया। ढोलकी ढोलकी भी जाके दिखा। ढोलकी कैसे ले जाते बेटे? मैं खड़ा हूँ इसीलिए। तेरे पापा? उनको पापा? हाँ आ रहे हैं। और पापा आ अभी आज ही तो अभी आ रहे हैं। आज ही तो खोजल तो चल जो भावरी में अभी आ रहे हैं। भाग जो जैसे बोल रहे हैं। नहीं अभी आ रहे हैं। बोल वेल गला हैं? वो बोला वेल गला क्या? वो बोल वेल गला उनको पापा के। अच्छा बोल दिया पापा ने आपको? जाना पापा के साथ जाना जाएगा। नाम क्या अपना? नाम बता दो। नाम क्या है बेटा? नाम बता दो अपना। पापा के नाम है लोथा। हैं? लोथा नाम है हमर बाबू के। पापा का हमर माईवा के नाम है शारदा। शारदा मम्मी का नाम। आपका नाम क्या है? हमको हाँ। नाम है टेपरा। टेपरा कहाँ से आये हो? हम भी वहाँ से ही आ गलिया। वहाँ से कहाँ से? घर तर से। घर से? तो घर से क्यों आए? अपने घर पे मतलब घर से क्यों भागे? अभी आज ही तो लेवल तो चल जी वो अभी में यार दोस्तों के साथ गया। नहीं नहीं ये कुछ नहीं बता पाता, अपनी मर्जी से जो मर्जी बोलता जाता है। सैमुअल कल वाले जाना है वापस? जाना है घर मम्मी पापा के पास? मम्मी के पास जाना है। एक बार नाथ साहब का अगर होफ हो तो कहना एक बार कल वाली फोटो भेजेंगे पापा के पास वापस। ये चाइल्ड लाइन वालों से ले लो। मम्मी पापा लेने आ रहे हैं आपको। कहाँ रहते हो? घर कहाँ पे है? घर है? यहाँ पे कैसे आए? यहाँ कैसे आए? पापा आ गए? बुलाओ ना पापा को। बुलाओ। कहाँ है पापा? पैंट को ऊपर कर। कहाँ है पापा? पैंट को ऊपर। पैंट को ऊपर हमरा ना हाथल कर वजह से तो चल ले ले हमरा। कौन है ये आपका? आपका लड़का है? आपका बेटा ये? हाँ जी। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से? लेट हैंड वापस में। हरियाणा डांट से। अच्छा। तो ये कितने दिन से ऐसे गायब था ये बच्चा? कल से हुआ है। तो लाइव तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से एक बच्चा जो है एमडीडी बाल भवन में होता है। हमने आपको काफी खबरें जो है दिखाई थी कि जो बच्चा है यहाँ पर पहुंचता है कि उसे मिलवाएं, लेकिन साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे को उसकी परिवार आ गया है लेने के लिए। देख सकते हैं मंद बुद्धि बच्चा है, स्पेशल चाइल्ड है, कल यहाँ पर मिलता है और आज परिवार लेने के लिए यहाँ पर पहुंच गया है। ये बच्चा जो है उसका परिवार यहाँ पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना है। आपका बेटा जो है फिलहाल उनके पिता भी अभी अभी पहुंचे हैं और उनसे जानकारी मिली है। कैसे यहाँ पर आया? रात से ही बच्चा गायब था। बच्चे के खोने देखने के आया था। कब खोया था ये? कैसे खो गया था? कल 6 बजे खो गया था। कल सुबह 6 बजे? शाम को 6 बजे? शाम को 6 बजे। अच्छा तो क्या दिमागी रूप से कमजोर है थोड़ा सा? हाँ थोड़ा दिमाग कम है। दिमाग कम है तो ऐसे भी पहले भी कभी चला गया है?
नहीं कभी नहीं गया था, मगर आज कल चला गया था। कल चला गया, आपने कंप्लेंट भी करवाई थी वहाँ पे? हाँ जी, हाँ, फोटो भी दे दिया। अच्छा जी, तो आप लोग कहाँ से हैं? डांड। डांड से आप लोग? हाँ जी। फिर कैसे पता चला बच्चे के बारे में यहाँ पर है? बच्चा फोन गया, फोन आया था आपके पास। बच्चे का नाम क्या बताया? गोरखा। गोरखा, गोरखा। आपका क्या नाम है? लोथो। क्या काम करते हैं आप? ईट पाते हैं। ईटों का काम करते हैं? ईट बनाने का, भट्टे पे काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, बच्चे की उम्र कितनी है? होगा 10-12 साल। अच्छा, हाँ जी। तो परिवार में कौन कौन लोग हो आपसे? वो है हमारा बीवी आया है। अच्छा, आपकी पत्नी आई है? हाँ। और ये बेटा आपके है कि? तो ये माँ है, माँ से बात करते हैं। आपका बेटा है? हाँ। कैसे गुम हो गया था? पाथ रहे थे, बेटा काम करते करते चला गया शाम को, पता नहीं चला कि। और फिर घर में रोटी बनाने आए तो देखा कि हमको लड़का नहीं आया, तो फिर खोजने चला गया। तो मतलब इसको अकेला छोड़ा हुआ था घर पे? अकेला था उस वक्त? अकेला कोई नहीं, कख नहीं, भाग जाता चुप करते, काम करते करते निकल जाता है, भाग जाता है। पहले भी ऐसे काम होता है? पहले घूम नहीं हुए, रोज जाता था बेचारा। ये जो बच्चा है, मतलब जैसे दिमाग कमजोर है, तो पहले शुरू से ऐसा है या बाद में कभी हुआ था ऐसे? नहीं नहीं, शुरू से ऐसे, शुरू से ऐसा ही है, बचपन से ऐसा ही है, बचपन से ऐसे। तो बातें मतलब थोड़ी बहुत समझता है ये, जैसे हमने बात करने को कुछ है। बेटा मिल चुका है आपको? नाम इसका पूछा तो अपना नाम टेप रहा, परेशान हो रहे होंगे कल से, कल से खाना नहीं खाया, पुलिस ने कंप्लेंट करवाई थी। अच्छा, उसको टेपरा बोलते हैं गांव में? टेपरा बोलते हैं। अच्छा, गांव में नाम रखा है। आप क्या काम करते हैं? ईंटें बनाने का काम करते हैं? क्या नाम है बच्चे का? गोरखा नाम है। अच्छा, ये तो टेपरा बता रहा था अपना नाम। नहीं, हाँ, दुलार से बोलता है बच्चे। अच्छा, प्यार से घर में बोलते हैं, कभी काल बोल देता है। तो अब कैसा लग रहा है? देख सकते हैं बच्चा जो है फिलहाल अपने अपनों की गोदी में पहुंच चुका है और काफी खुश दिख रहा है। कल ये हालांकि बताया जा रहा है जो बच्चा है मिलता है, डांड के रहने वाले हैं, दिमागी रूप से थोड़ा सा कमजोर बच्चा है, स्पेशल चाइल्ड है ये बच्चा, गोरखा इसका नाम है, प्यार से इसको टेपरा बोलते हैं, अपना नाम फिलहाल टेपरा बता रहा था और अब गोदी में चढ़ के खड़ा हुआ है। आप कौन है? मामू है। आप मामू है? तो क्या कुछ कहेंगे? बच्चा देख कर खुश हुआ आपकी गोदी में आ गया है? आप क्या लगते हैं इसके? मामू है इसका। आप मामा हो? कब से गुम था ये? कल शाम से हुआ जी। काफी परेशान थे आप लोग? तो बहुत ढूंढे जी, नहीं मिला, हर जगह ढूंढ लिया था। बहुत ढूंढे। कैसे पता चला यहाँ के बारे में? फोन किया जी। आपके पास फोन आया था? हाँ जी। पहले भी ऐसे चला कभी गया है? पहले नहीं जाता जी, मतलब थोड़ा दिमाग थे ना, तो कभी कल चल जाता है, तो हम लोग पता ही करते रहते हैं, नहीं पता लगा है जी, घूम घाम के फिर दोबारा चला आया, फिर ये वापस वापिस आ जाता है। आ जाता जी, कहीं भी चला जाता है ना, ये आ जाता है, ये काफी दूर आ गया है जी, तब उन्हें पहुँच पाया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये बच्चा है, तो बच्चा खुश भी होता हुआ दिख रहा है, किस तरह से अपने मामा की गोदी में चला गया था, अपने चप्पल लेकर आया है। खुश हो बेटा घर वापस जा रहे हो? बता रहा था क्योंकि गांव में इसे प्यार से टेपरा बुला। खुश हो आप घर वापस जा रहे हो? मम्मी पापा आए लेने हैं? अब ऐसे दोबारा तो नहीं जाओगे घर से बाहर? नहीं जाओगे ना? डांस करके दिखा दे। अब खुश हो ना, डांस करके दिखाओ। गाना नहीं सुनाओगे? गाना अरे लोथा बिना, अरे लोथा बिना चटनी कैसे बनी, सरदा कमाल रे की आँखियों से गोली मरे, सरदा बिना चटनी कैसे बनी, तेरे पांडी जी का बेटा हूँ, चुमा फिचक के लेता हूँ, कजरा लग के छड़ी कहाँ जाएंगे, गोरे 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 गाल देखी चुम लेंगे। आपका घर तो सुना सुना हो गया होगा, बच्चा जिस तरह से चला गया था? कल रहा, कल से अनाज नहीं, अभी तक नहीं खाया रोटी, रोटी भी नहीं खाया, दो दिन कल भी नहीं खाया। तो देख सकते हैं घर जो है सुना सुना हो चुका था। एमडीडी बाल भवन से हम यहाँ पहुँचे, तो सर से बातचीत करते हैं इस विषय में। कल रात को हमें सूचना मिली चाइल्ड लाइन करनाल की ओर से, चाइल्ड लाइन करनाल ने ये बताया कि एक बच्चा जिस थोड़ा सा एमआर है, स्पेशल बच्चा है, और बच्चा हमें मिला है तरावड़ी थाने से, तो तरावड़ी थाने से उन्होंने डीडीआर तुरंत कटवाई और लेकर हमारे पास आए, हम लोग तुरंत उस बच्चे को लेके यहाँ आ गए। जब एमडीडी बाल भवन में ले आए तो एमडीडी बाल भवन में ला के उसको हमने छोड़ दिया रात के लिए। सुबह हमने इस बच्चे की ट्रेस आउट शुरू किया, जब ट्रेस आउट शुरू किया तो ध्यान में आया कि ये अपना कहीं ईंटों का भट्ठा
उस भट्ठे पे पिता को काम करने वाला बता रहा है। इस विषय में विशेष रूप से हमारे करनाल के वरिष्ठ समाज सेवी और हमारे बड़े भाई श्रीमान नीरज गुप्ता जी और श्रीमती सीमा गुप्ता जी का जो बेटा है शिव सिंगला, मैं उसका बहुत धन्यवादी हूँ। भगवान इस कार्य के लिए उसके हिस्से में पुण्य ही पुण्य डालेंगे, क्योंकि उसने एक स्पेशल बच्चे को अपने माँ बाप से मिलवा दिया। मैंने उससे जो ही बात की, उसने तुरंत बच्चे का फोटो अपने जो ईंट भट्टा वाला ग्रुप है उसमें डाल दिया, और विद इन 1.5 आवर वो वहाँ से मुझे उन्होंने बताया कि बच्चा मिल गया है और उसके माँ बाप मिल गए हैं और उसको लेने के लिए चल दिए हैं। और इस विषय में मैं सोशल मीडिया का भी बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया तुरंत प्रभाव से उस बच्चे की फोटो को वायरल करती है और उस बच्चे को मिलवाने में पूरी सहायता करती है, इसलिए मैं आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। तो हालांकि हमेशा हम आपको खबर दिखाते हैं कि बच्चा गुम हो गया है, वीडियो शेयर कीजिए, बच्चे को घर पहुंचाने में मदद कीजिए, लेकिन आज ये खबर दिखाते हुए हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि एक बच्चा जो स्पेशल चाइल्ड है आज अपने परिवार के पास वापस लौट रहा है, उसका परिवार जो है उसे वापस लेने के लिए आया है। देख सकते हैं ये बच्चा है, 7 से 8 साल इसकी उम्र है, डांड के रहने वाला है। बताया जा रहा है कि कल रात को त्रावड़ी में बस पर ये बच्चा मिलता है और त्रावड़ी थाने से यहाँ पर कॉल आता है और उसके बाद एमडीडी बाल भवन में बच्चे को लेकर आया जाता है। और जिस तरह से बच्चा ईंटों के भट्टे के बारे में बताता है, थोड़े थोड़े क्लू देता है, तो ट्रेस आउट करने की कोशिश की जाती है, जानकारी जो है ली जाती है कि बच्चा कहां का है, और जब इंफॉर्मेशन पूरी फैलाई जाती है तो मिल जाता है कि बच्चा जो है डांड का रहने वाला और परिवार यहां पर पहुंचता है और बच्चे को लेने के लिए यहां पर पहुंचा है। और काफी खुशी हो रही है हमें भी आपको ये खबर दिखाते हुए कि जो बच्चा है अपने घर पर वापस पहुंच रहा है। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।